हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज मैं आपके लिए न्यू होंडा सीबी 300R लेकर आया हूं। और ये जो ब्लैक लेंस में आप कलर देख रहे हैं, ये मैट फिनिश में है और इस कलर का नाम है मैट ब्लैक। तो ओवरऑल मैं इसका पूरा डिटेल पहले कलर से ही टैली कर लेता हूं कि इसमें क्या क्या मैट फिनिश में मिलता है और कौन कौन से ग्लॉसी फिनिश में मिलेंगे। तो सबसे पहले आप अगर लुक्स को टैली करेंगे तो यहाँ जो सीबी 300R लिखा हुआ है, ये ग्लॉसी फिनिश में है और उसके ऊपर स्टिकर आपको मिलते हैं। पर वहीं अगर आप टैंक के पोर्शन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैट ब्लैक कलर के मिलते हैं। तो जैसे ही आप साइड के लुक को टैली करेंगे तो साइड में जो सामने का ग्लॉसी पोर्शन ही थोड़ा ज़्यादा चमक के आता है, उसके बाद पूरी तरीके से मैट फिनिश में आपको गाड़ी मिलेगी, जिसमें अगर ड्राइवर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं देखूँ तो करेक्ट, अगर मैं आई साइड पर अगर पहुँचूँगा तो यहाँ पर जो बीच वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैकिश फॉर्मेशन में है और ये दोनों का साइड का जो पूरी तरीके से बॉडी कलर्ड में ये रखा गया है, जो कि एक मैट ब्लैक के कलर ऑप्शंस की तरह आपको मिलेंगे। और जैसे मैं साइड में आपको उस छोर दिखाया था तो इस साइड भी वैसे ही सेम ग्लॉसी में ऊपर स्टीकर आपको मिलेंगे CB300R के। अब एक बार ओवरऑल टैली करते हैं तो सबसे पहले मैं इसके ऑन रोड प्राइसिंग की तरफ जाता हूँ। तो ये आपको रायपुर में ऑन रोड प्राइस 318,000 की मिलेगी और इसमें दो कलर्स ऑप्शन आते हैं, जिसमें से अभी आप एक मैट देख रहे हैं और दूसरा जो कलर है उसका नाम है पर्ल स्पार्टन रेड। अब आते हैं इसके ओवरऑल डिटेलिंग्स की तरफ। तो ब्रेक्स फॉर्मेशन अगर आप टैली करेंगे तो 296 mm सामने और पीछे आपको 220 mm मिलते हैं। टायर सेक्शन के साथ नीचे अब बैठा हूँ तो मैं टैली कर लेते हैं। तो टायर सेक्शन इसमें 110x17 इंच के टोटल आपको सामने के सेक्शन मिलते हैं। और वहीं जैसे आप इस व्हीकल के पीछे टायर सेक्शन की तरफ जाते हैं तो इसमें 150x60 17 इंच के टायर सेक्शन सेटअप मिलते हैं। अब बात करते हैं इस व्हीकल की बहुत सारी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो जिसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लेंस खींचता है और वो है इसका इंजन, क्योंकि जितना लुक ये ज़्यादा बेहतर लगता है उससे ज़्यादा इसका इंजन सेटअप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इस व्हीकल में 286 cc का इंजन आपको मिलता है, जो कि पावर 31.1 bhp का निकाल के देगा। और एज़ यूजुअल ये नेगेट वर्जन के हिसाब से जो एक परफेक्ट टॉर्क इस व्हीकल में मिलना चाहिए, 27.5 Nm का इस व्हीकल में आपको टॉर्क मिलता है और ये 6 speed के साथ आता है। माइलेज अगर आप टैली करेंगे तो अप्रॉक्स 30 km/L आप मान लीजिए, और फ्यूल टैंक की अगर फुल कैपेसिटी आप भराते हैं तो 290 km आपकी एक अच्छे पैमाने पर रनिंग हो जाएगी। अब कर्व वेट देखते हैं। तो ये व्हीकल जितना छोटा पैमाने में लगता है उसके हिसाब से वेट भी ठीक ठाक वे में रखा गया है। तो इस व्हीकल का वेट आपको 146 kg मिलता है। अब लेंथ को टैली करते हैं तो लेंथ अगर मैं देखूं तो इसके एंडिंग टिप पॉइंट से लेकर सामने वाले टिप पॉइंट तक आप देखेंगे तो इसका लेंथ 2017 mm है। और विड्थ को अगर आप टैली करेंगे, जो मैं सामने से दिखाता हूँ, तो इस व्हीकल में विड्थ आपको 802 mm का मिलता है। अब साथ ही साथ इसके हाइट को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो जैसे आप हाइट को देखेंगे तो यहाँ पर हाइट आपको 1047 mm का मिलता है और इस व्हीकल में आपको व्हील बेस मिलेगा 1352 mm का। सीट हाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे जो राइडर्स होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, उनके लिए कंसर्न रहता है कि ये व्हीकल उनके लिए सूटेबल होगी कि नहीं। तो इस व्हीकल में 801 mm का आपको सफिशेंट सीट हाइट मिलता है, जो कि आप 5'6" या 5'5" के अबव है तो आप आराम से चला पाएंगे। उससे कम है तो शायद वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जाएगा, बट ओवरऑल इट विल बी गुड। सो ये था एक क्विक वॉक अराउंड अबाउट दी होंडा CB300R। बहुत सारी चीज़ें इसमें यूनिक है, स्पेशली कलर, ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि इसी मैट कलर को अगर आप रात में चलाते हैं इस LED हेडलैम्प्स के सेटअप के साथ तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। सो कैसा लगा ये वॉक अराउंड आप मुझे बताइए। इसके अलावा अगर आप और भी डिटेल्स चाहते हैं, साथ ही साथ ड्राइव रिव्यू चाहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं वो भी आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। और फिलहाल ये तो सेकेंड वीडियो रहेगा, इसके पहले मैंने ऑलरेडी व्लॉग के तौर पे आपको दिखा दिया था कि कौन सी व्हीकल आने वाली है। सो हियर इट इज़ एज दो आई प्रोमिस्ड। और इस कलर की अट्रैक्शन आपको कितनी बेहतर लगी
जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।